कॉल करता हूँ उसको। सॉरी मैं लेट हो गई, बहुत ट्रैफिक था, दो मिनट बैठती हूँ बस। हाँ आ जाओ जल्दी, बस आ रही है माँ। पूछा मैंने, रजत तुमने खाना नहीं लगाया? बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। हम वेट कर ही रहे थे तो लगा ही देते, माँ को भूख लग रही होगी। तुम लगा दो ना। रजत ये सर्व कर दो प्लीज। रजत एक सेकंड प्लीज आना। अच्छा तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? कैसे बिहेव कर रहा हूँ तुम्हें बता, मैं क्या कह रही हूँ। लिसन, थोड़े दिनों की बात है, प्लीज मैनेज कर लो। माँ के सामने मैं घर भर के काम वाम करूँगा, अच्छा नहीं लगता यार। क्या अच्छा नहीं लगता इसमें? रजत आया माँ। ये कल की सब्जी है? नहीं माँ, वो मेड ने सुबह बनाई थी, वो शाम को आ नहीं सकती थी ना, इसलिए। तो अगर मेड नहीं आएगी तो क्या घर का काम नहीं होगा? आप अभी हो ना यहाँ पे 10-15 दिन? तो पता नहीं अब मुझे यहाँ रहना भी चाहिए या नहीं। मतलब? अच्छा तुम लोग रोज इतनी लेट ही खाना खाते हो? हाँ अरे माँ वो लेट हो गई थी ऑफिस से, तब करके काम। मैं निशा से बात कर रही हूँ। माँ वो एक्चुअली आज सच में ऑफिस में काम ज़्यादा था और आते आते भी लेट हो गया। अभी डिनर करेंगे, उसके बाद मुझे और भी काम करना है, तो ऐसे ही चलता है। तो तुम लोग क्या फ्रेश खाना नहीं खाते हो? हाँ नहीं माँ, मैं और रजत हम दोनों मिलके मतलब कभी बाहर से मंगवा लेते हैं, कभी हो जाता है कुछ। मतलब ऐसे ही चलता है चाहे तुम जितनी भी लेट हो जाओ काम से आने में। हाँ माँ अभी क्या बातें लेके बैठ, प्लीज खाना खाओ। रजत एक बात बता, तू घर का काम करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? अरे भाई तो फिर अपनी माँ के सामने काम करने में तुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है? देख बेटा, तूने कभी घर के कामों में मेरा हाथ नहीं बटाया, लेकिन इसमें तेरी गलती नहीं मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने कभी तुझसे कोई काम करवाया ही नहीं। पर अब तो वो 18 साल वाला रजत नहीं है, तेरी अपनी फैमिली है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वैसे ही जैसे निशा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो तुम दोनों के बीच में टोकने वाली मैं कौन होती हूँ बता? और भाई देख, जहां तक दूसरों के सामने काम करते वक्त तुझे जो शर्म आती है वो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी सोच ऐसी नहीं है। हाँ और एक बात बताऊं, मुझे तो ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि इसने घर का काम करना शुरू कर दिया है। चलो भाई अब खाना खाते हैं। हाँ प्लीज। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की कहानियां बहुत से घरों में हैं? अपने एक्सपीरियंसेस आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लाइफ तक।